वेलकम बच्चों, ये वीडियो क्लास टेंथ के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। बच्चों इस वीडियो में पढ़ेंगे आप लोग केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और उसका टॉपिक IUPAC। ठीक चल रहा था, इसके एग्जांपल पढ़ेंगे आप। ठीक बच्चों, एक नेक्स्ट लेवल करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगाइए और नाम लिखकर कमेंट में नाम लिखिए, इससे आपकी अटेंडेंस कंप्लीट हो सके। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, CH3 CH2 CH3। बच्चों इसका IUPAC नेम क्या है ये आपको बताना है। तो बच्चों जितना हमने आपको ग्रुप बताए, प्रेफिक्स बताए, सफिक्स बताए, उसके अलावा अब एक चीज़ याद रखनी है आपको, सबसे पहले IUPAC नेम में मदर चेन छांटनी होती है। मदर चेन का मतलब लॉन्गेस्ट चेन। तो जो एक सिंपल चेन है तो हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3। ठीक बच्चों, हमने काउंटिंग करी, कितने कार्बन है इसके अंदर? 3 कार्बन। 3 कार्बन है तो नाम कहाँ से स्टार्ट होगा? मिथ से। ठीक, और एन जोड़ना कंपलसरी। ठीक है, क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं तो नाम क्या बन गया बच्चों इसका? मेथेन। अब देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें लिखा हुआ है CH3 CH2 CH double bond CH2। तो बच्चों जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड आ रहा है, क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। तो ये कौन से ग्रुप का कंपाउंड होगा बताइए? एल्कीन, सही है। तो इसमें क्या ऐड होगा? ईन। कितने कार्बन? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है तो क्या आएगा? मिथ एथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूट प्लस ईन। अब बच्चों देखिए ये डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है? 1 2 3 4। तो अगर हम लेफ्ट साइड से काउंटिंग करते हैं तो ये डबल बॉन्ड 3rd नंबर पर आ रहा है। अगर हम राइट साइड से काउंटिंग करते हैं और ये डबल बॉन्ड किस पर आ रहा है? 1 नंबर पर। तो हमें मिनिमम देखना होता कम से कम, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका? ब्यूट प्लस ईन। तो कैसे नंबर पे हमारा ये? 1 नंबर पे है। तो इसे लिख देंगे बच्चों हम लोग 1 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन। तो आंसर हो गया बच्चों इसका 1 ब्यूटीन। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। ये बच्चों आपका CH2 double bond CH single bond CH double bond CH single bond CH3। तो इसमें बच्चों कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, बहुत सही। तो नाम कहाँ से स्टार्ट होगा? पेंट से। और ग्रुप कौन सा है बच्चों? दो बार डबल बॉन्ड आ रहा है तो ईन होगा, समझ में आ गया। तो हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। जब हमने लेफ्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट की तो डबल बॉन्ड एक तो 1 पर आ रहा है और दूसरा 3 पर। अब राइट साइड से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5। तो डबल बॉन्ड है 2nd पर और 4th पर। मिनिमम कौन सा है हमारा? ये वाला। इनका एडिशन भी देखें, 3 और 1 4 होता है, इनका 4 और 2 6। तो मिनिमम क्या है? लेफ्ट साइड वाला। तो ऊपर वाली काउंटिंग को कट कर देंगे, इसे लेंगे नहीं, हम नीचे वाली काउंटिंग लेंगे। पैंट में 1 नंबर पर और 3 नंबर पर, किस पर? 1 नंबर पर और 3 नंबर पर कितने डबल बॉन्ड है? 2। कितने डबल बॉन्ड है बच्चों? 2। तो क्या करेंगे? डाई ईन, सही है। अगर 3 बार डबल बॉन्ड होता तो हम ट्राई लिखते, क्या लिखते? ट्राई। जस्ट एग्जांपल 4th क्वेश्चन, CH2 double bond CH single bond CH double bond CH single bond
CH डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ गया बच्चों आपको? तो अब इसमें देखिए, इसमें कितने कार्बन है हमारे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो नाम की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? हेक्स से, ठीक। डबल डबल डबल, ट्रिपल भी आएगा वो भी समझाऊंगा आपको मैं। कितने हैं अभी तक? सब डबल 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 है। अगर सारे डबल 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 हैं CH2, देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ है, ये CH2। थोड़ा साइड कर लिया, आप दिखाई दे रहा था। तो ये कितने बार काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6, यहां से 1 3 और 5 लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से 1 2 3 4 5 6, 1 3 और 5 सेम है। तो क्या करेंगे, हेक्स में 1 पर और 3 पर और 5 पर कितने ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगे हैं? ट्राई, क्या हो चो? ट्राई इन, समझ आ गया बच्चों? यही 3 है ट्राई, अगर 4 होता तो हम टेट्रा लिखते, ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। अब हम समझते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में मिक्स इन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है। तो पहला एग्जांपल लिया हमने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चों सारे एग्जांपल नोट कर लेने हैं आपको, समझ लेना, नहीं समझ में आता है दोबारा रिवाइंड करिए, फिर समझिए, तब भी समझ में नहीं आता कमेंट करिएगा। आपके लिए मैं मिक्स एक वीडियो बना दूंगा, इसमें सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। अब देखिए इसमें काउंटिंग करिए, क्या करिए काउंटिंग, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो नाम की स्टार्टिंग कहाँ से शुरू होगी बताइए? ब्यूट से, वेरी गुड, कहाँ से? ब्यूट से। तो प्रॉब्लम यही है, मैं लेफ्ट साइड से काउंटिंग कर सकते हैं और राइट साइड से भी, 1 2 3 4, ठीक। हमने देखा पहला बॉन्ड किस पर आ रहा है बच्चों आपका, 1 और 3 पर, यहां से किस पे, 1 और 3 पे, ठीक। तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर में आएगा, प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या आएगा, डबल बॉन्ड पहले आएगा, ट्रिपल बॉन्ड बाद में आएगा, डबल बॉन्ड पहले और ट्रिपल बॉन्ड बाद में। बच्चों हम देखते हैं इसमें 2 नंबर पर कौन सा बॉन्ड लग रहा है बच्चों, 1 नंबर पर कौन सा लग रहा है, ईन, और 3 पर कौन सा लग रहा है बच्चों, आइन। तो हम लिखेंगे ब्यूट 1 ईन और 3 आइन, ओके, ये ब्यूट 1 ईन 3 आइन इसका नाम हो गया। याद रखिएगा नाम लिखते समय पहले डबल बॉन्ड, फिर पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर में ले आते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 Cl, इसका नाम बताइए। तो बच्चों इसका नाम बहुत आसान है, ये मैंने बताया हैलोजन ग्रुप किसमें आता है हमारा, प्रफिक्स में आता है, किसमें, प्रफिक्स में। तो Cl को लिखेंगे हम, चलो क्लोरो, क्लोरो, ठीक। ये कितने सी हैं, 2 सी हैं, तो नाम क्या आएगा बच्चों, एथेन, क्या, एथेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं बच्चों हम लोग। हमने लिखा सिंपल सा क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2 Br, तो जिसका नाम क्या होगा, तो किसमें क्या है, ये भी हैलोजन है,
किस में जाएगा, सफिक्स प्रीफिक्स में जाएगा, तो ये होगा ब्रोमो मिथ एक प्रोप, क्या होगा प्रोपेन, समझ में आ गया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट, वो क्वेश्चन ये है बच्चों, CH3 डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। बच्चों देखिए अब तक पढ़े हमने ये सिंगल चेन वाले, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रांच्ड है, क्या है बच्चों ये ब्रांच्ड। अब ब्रांच वालों के नेम बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन काउंट करनी होती है विद आ ग्रुप, लॉन्गेस्ट चेन विद आ ग्रुप। तो हमें लॉन्गेस्ट चेन देखी ये वाली, हम कैसी बना लें, इसमें कितने कार्बन होंगे हमारे, 1 2 3 4 चार कार्बन होंगे। अब इसको ऐसे भी करते हैं 1 2 3 4 चार ही कार्बन होंगे, तो चार कार्बन है, मेन चेन का नाम क्या होगा, मिथ एक प्रॉप ब्यूट, तो नाम हो गया बच्चों ब्यूट वन ईन। जो बच्चों साइड चेन है इसका नाम बाद में लिख देंगे हम लोग, क्या है बाद में, एक सी है तो क्या होगा मैथिल, तो इसे लिखेंगे बच्चों हम लोग वन मैथिल ब्यूटीन, वन मैथिल ब्यूट इन। समझ में नहीं आया दोबारा लिख देता हूं इसको मैं, वन मैथिल ब्यूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2 CL। तो बच्चों ये CL आ गया, कितने नंबर, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सॉरी गलत हो गया बच्चों, काउंटिंग ग्रुप से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। तो बच्चों क्या होगा ये 3 मैथिल, तो ऐसे ही काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से 1 2 3 4, ये होगी बच्चों हमारी लॉन्ग चेन, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में एक नंबर पर क्या लग रहा है, इन लग रहा है, और तीन नंबर पर क्या लग रहा है बच्चों, क्लोरो, तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो, क्या ये ब्यूट वन इन ब्यूटीन। ठीक है बच्चों, ओके समझ में आ गए होंगे, आज के लिए इतना ही, आपने होमवर्क किसने नहीं किया है, होमवर्क करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं।